दुखड़ा ने माणी दा कोई नहीं जानता, दुखड़ा ने माणी दा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, दुखड़ा ने ये तो पीकर ही पता चलेगा। अच्छा शुगर कितनी? 2 चम्मच। अरे वाह, आप ही भी तो चाय में 2 चम्मच ही चीनी लेते हैं। बेटी की बातें? अरे भाई इसी की तो मैं सुनता हूँ, हमारे घर की रौनक यही तो है। अम्मी आप आ गई हैं? अच्छा ठीक है, मैं सब खैरियत तो है बेटा? हाँ जी हाँ ठीक है, चलें। ये क्या बात हुई, अभी तो आए थे आप लोग और अभी जा रहे हैं? हाँ वो हम लोग शाम में फिर आ जाएंगे। तो भाई ठीक है, शाम में आप ही को ले जाइएगा। नहीं बेटा, जब ये कह रहे हैं कि शाम को आएंगे तो ठीक है, जाने दो, जाओ बेटा तुम दोनों जाओ। थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी। नहीं ओके ना, ज्ञान आएगा तो फैसला हो जाएगा आज। वो मैंने कहा था ना, इस मूस लड़की को मत लेकर आना साथ। मी प्लीज। भाई कितनी मेहनत की थी मैंने आपकी, बताया था ना, समझाया था ना कि घर से कितना नाजुक रिश्ता है मेरा, पर आपको तो कुछ समझ नहीं आया, निकाल दिया मुझे घर से। मात्र वर्षा, अब इस सिलसिले को चलने नहीं दूंगी। अरे मेरा घर बर्बाद हो गया।
दरवाजा खोले आंटी, प्लीज दरवाजा खोले आंटी, ऐसे नहीं करें आंटी, आंटी प्लीज दरवाजा खोले आंटी, दरवाजा खोले आंटी। जो कुछ किया मैंने किया उसमें अक्षा का कोई कसूर नहीं, वो तो चाहती थी कि मैं फायदा से शादी करूं। हम सबकी इज्जत का मजाक उड़ाते हैं। देखो तुम्हें इस तरह से अक्षा को घर से नहीं निकालना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं है मैं तुमसे भी पूछूंगा। और तुम्हें क्या मिलेगा उसकी जिंदगी बर्बाद करके, जो तुम्हें मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके मिला। मैंने कहा ना, जो भी किया है मैंने किया है, इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है। तो क्या मेरी बेटी का कसूर है? ना ना ना, मुझे पता है तुम मुझसे झगड़ा चढ़ी नहीं सकती। अगर कभी कोई ऐसी बात हो और बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया तो हाँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ाऊंगा। मगर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं क्या करूंगी फिर? तुम मुझे मना लेना।
खुर्म, आपको याद है कि आपने कहा था कि अगर आप मुझसे नाराज हो जाएंगे तो मैं आपको मना लूंगी? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। आपने ये भी कहा था कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। नहीं, मुझे ये भी याद है, और ऐसा कुछ है भी नहीं। दुनिया में कोई किसी के बगैर मर नहीं जाता। खुर्म, पहले इनकार कर देना चाहिए था जब ये लोग मेरी फैजा से शादी करने का कह रहे थे। आप अफशां के ससुराल गए थे ना, क्या बात हुई है जान? बात हो सकती है जान, मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की कि जान, इधर आओ मेरे साथ। मैंने कहा इधर आओ। देखो अपनी बहन की हालत। रो मत, प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। वो आएंगे तुम्हें लेने के लिए, तुम जाओगी अपने घर वापस। प्लीज नहीं आएंगे खुर्रम लेने मुझे। अरे भाई, नई नई शादी है ना, उड़ी फिर रही होगी, और जरूर हनीमून प्लान हो रहा होगा। पागल हो गई हूँ, जिन हालातों में उसकी शादी हुई है ना, उसके या उसकी सास की जनाजे की तैयारी हो रही है। सीमा, हद होती है, कभी तो अच्छा बोला करो। जब भी बोलोगी बुरा ही बोलोगी। जब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा बोल भी दूंगी। हमें तो उसके लिए हमेशा दुआई करनी चाहिए। चलो फिर फातिया के लिए हाथ उठा। सीमा, तौबा करो, कभी तो अच्छा बोलो। अच्छा भी बोल दूंगी, जब सहब साहब और ध्यान साहब कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा भी बोल दूंगी। चलो एक काम करते हैं, फोन करते हैं। हाँ प्लीज, ऐसा कर लो। सारे सवाल एक साथ। अच्छा ये बताओ कि हस्बैंड कैसे हैं? ज़ियान बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तो आंटी भी मान गई है ना, तब सब कुछ बेहतर हो गया। वाओ, इसके लिए तुम्हें हमें ट्रीट देनी चाहिए, हमें डिनर पे बुलाओ ना। हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन आजकल तो दावतों का सिलसिला इतना शुरू हो गया है ना कि टाइम ही नहीं मिलता। हमारे लिए टाइम कहाँ होगा तुम्हारे पास, अपने मियाँ की मीठी मीठी बातों में जो खोई हुई होगी। वो ज़हन मुझे बुला रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। माशाल्लाह बहुत खुश है। आपको संभालू, पानी पियो। मैं कह रहा हूँ तुम अपने घर वापस चली जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। अफशां, जब तक ये लड़की इस घर में है कुछ ठीक नहीं होगा। अम्मी, मरियम बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारी नजर में होगी, मेरी नजर में नहीं। उसकी वजह से तुम्हारी बहन की ये हालत हो गई है और तुम उसकी अच्छाई के कसीदे पढ़ रहे हो। मैं भी कुछ नहीं बिगड़ा ज़ियान, छोड़ दो इसे।
खुर्रम से माफी मांग लो और फायजा से शादी कर लो। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? क्या समझती हैं? उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई हना नहीं है। नहीं मानेंगे वो लोग क्योंकि फायजा नहीं मानेगी। आपने सब बर्बाद कर दिया भाई, सब खत्म हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ज्यादा परेशान हो गए ना? तो नहीं होना चाहिए। मेरी बहन मेरे घर आके बैठ गई, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। इसीलिए अब्बू ने आपसे कहा था, जहां आंटी ने आपका रिश्ता तय किया है वहीं शादी कर लीजिए। तुम पछता रही हो अपने फैसले पे? नहीं जान, मैं आपसे शादी के फैसले पे कभी पछता नहीं सकती, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अफशा की ये हाल है, फिर आप इतने परेशान हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। कब ठीक होगा सब कुछ यार? हो जाएगा सब ठीक, हो जाएगा। इस मुश्किल वक्त में मुझे और तुम्हें एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का हौसला दें। इस तरह अगर तुमने और मैंने हिम्मत जुटाई। हेलो यार, मैं जहांगीर रजा बात कर रहा हूँ। जी जहांगीर साहब, कैसे हैं आप? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुमको बहुत बहुत मुबारक। किस बात की मुबारक? भाई हम जैसे लोगों की खबरें तो जर्नलिस्ट से छुपी नहीं रह सकती ना, तुम्हारी शादी की खबर छपी है। जहांगीर साहब, एक्चुअली थोड़ी जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ा, वरना आपको जरूर इत्तला करता। कोई रिसेप्शन, कोई डिनर, कोई पार्टी हम जैसे दोस्तों के लिए हो जानी चाहिए ना। बिल्कुल, अरेंज कर रहा हूँ। और कैसे हो सकता है कि आपको दावतनामा ना भिजवाऊं? इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। कॉल आई थी। अच्छा, ठीक तो है। क्या कह रही थी? मुझसे क्यों नहीं बात करवाई? अम्मी आपसे इसलिए बात नहीं कराई क्योंकि आप तब सो रही थी और आप ही बिल्कुल ठीक है। इस तरह अचानक क्यों चले गए, बताया नहीं? हाँ, आप ही बता रही थी कि आंटी की कुछ तबीयत खराब हो गई थी इसलिए अचानक जाना पड़ गया। वो खुद तो ठीक है, कोई गड़बड़? अम्मी कोई गड़बड़ नहीं थी, बिल्कुल ठीक है आप भी। अच्छा फिर ऐसा करो बेटा, अपने अब्बू को भी फोन करके बता दो, वो बेचारे भी बहुत परेशान थे। मैं अब्बू और भाई को पहले ही बता चुकी हूँ। चलो अच्छा, खाना बन गया? हाँ अम्मी, खाना बिल्कुल तैयार है। चलो बेटा फिर लगा दो। चले आप चाय पी लें, मैं खाना लगा। ठीक है। लग रही थी। आसिया जी, किचन समेटो और अपने क्वार्टर में जाओ। भाभी
आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। भाभी से मिलने के लिए आई थी। मैंने खुर्रम को बहुत समझाने की कोशिश की है, प्लीज आप भी उसे समझाइएगा। मैंने जो कुछ भी किया उसमें अफशा का कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि उनका कोई कसूर नहीं है, इसीलिए तो मैं उनसे मिलने के लिए आई थी। देखिए उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज उनका ख्याल रखिए। क्यों गए थे? क्योंकि जाना जरूरी था। इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां जाना ठीक नहीं था। ऐसा आप सोचती हैं अम्मी? आपको क्या लगता है मैं वहां पे गई थी तो कुछ सोच समझ कर गई थी? वो क्या? बेइज्जती का बदला लेने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। अफशा भाभी को घर से बाहर निकाल के हमने उनकी परेशानियां आसान कर दी। क्या मतलब? अफशा को घर बिठाकर वो लोग सुकून से हैं? अभी सुकून से नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं नहीं समझ पा रही। अफशा भाभी ज़ियान अहमद की बहन है। ज़ियान अहमद का सोसाइटी में बहुत मर्तबा है, हैसियत है। आपको क्या लगता है उनकी बहन को अगर कोई तलाक दे देगा तो उन पर क्या फर्क पड़ेगा? उनके लिए हजारों और रिश्ते आगे खड़े हो जाएंगे। मुझे अफशा भाभी को तलाक नहीं दिलवानी, तलाक मुझे मरियम को दिलवानी। ये कैसे मुमकिन है? मैं बता दूं।
मेरी इतनी घटिया हरकत के बावजूद उस लड़की का दिल देखो, यहाँ तक आई, अफशा को गले लगाया, तसल्लियां दी, खुर्रम को मनाकर घर ले जाने का वादा किया। तुमने ऐसी लड़की की खातिर उस लड़की को तरजीह दी जो इस घर में होते हुए भी हम माँ बेटी को तड़पता हुआ देख रही है, तो तसल्ली के बोल नहीं बोले, पास आकर बैठी तक नहीं। मम्मी वो भी अफशा के लिए बहुत परेशान, बस आप लोगों से डरी। हम कोई खा तो नहीं जाते ना उसे भाई। मेरी शादी की खबर पूरे सर्कल में फैल गई। लोग बातें कर रहे होंगे, ज़ियान अहमद इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट और छुपकर शादी कर ली। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, ऑल दे नीड अ रिसेप्शन, तकरीब वगैरह का पूछ रहे बस। अब इन हालात में तुम तकरीबें मनाओगे? मेरा भी दिल नहीं है ये सब कुछ करने को, लेकिन सोशली करना पड़ता है ना। ठीक है, पहले भी तुम्हारे दिल में जो समाई तुमने किया, अब भी जो दिल चाहे तुम करो, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं शिरकत करूंगी। मैं तुम्हारे सर्कल की बेग माँ से मुस्कुरा मुस्कुरा कर तुम्हारी बीवी का तारुफ करवाऊंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई आप फिक्र ना करें, अम्मी को मना लूंगी। बहुत शर्मिंदा तुम्हारे सामने, बस आप दुआ करें कि मैं अपने घर चली जाऊं। क्या कह रही है? फाइजा ऐसा ही चाहती है बेटा। दिमाग खराब हो गया उसका, ये नामुमकिन है। जब फाइजा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों इशू बना रहे हो? इशू बनाने की बात नहीं है अम्मी, इशू तो पहले ही बना हुआ है। उसने आपसे अजीब बेतुकी सी बात की और आप मुझसे करने आ गई, कमाल है। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें फौरन बताने चली आई? नहीं बेटा, ये बात नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, तुम तो जानते हो वो कितनी जिद्दी है। अब अगर हमने उसे कुछ कहा तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी बेटा। शुक्र है खुदा का कि हालात कुछ बेहतर हो गए। फाइनली अफशां के भी वापस जाने की कुछ उम्मीद बनी है। शुक्र है। बड़ा हौसला है मेरी बहन, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उसने मेरा साथ दिया, अम्मी को मनाने का काम। लेकिन जान देखो, अम्मी और अफशां के दिल में तुम्हें खुद जगह बनानी है। जरूर बनाऊंगी। सब मुरझा सा गया तुम्हारा चेहरा, लगता नहीं है दो दिन हुए हमारी शादी। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वापसी पे कहीं अच्छी सी जगह पे खाना खाएंगे। और हाँ, अम्मी और अफशां के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, तुम आके उन्हें अपने हाथ से सब कुछ देना। आई एम श्योर कुछ थोड़ा सा दिल तो नरम पड़ेगा। ठीक है, तैयार हो तुम? मैं बस दो मिनट में। अम्मी मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुला सकती हूँ ना? नहीं बिल्कुल नहीं, ये फंक्शन हमारी तरफ से नहीं, दूल्हा वालों की तरफ से है। ये क्या बात हुई, बारात भी इतनी सादगी से की थी और अब? आमना तस्नीम सही कह रही है, किसी और की दावत में हम अपने मेहमान कैसे बुला सकते हैं बेटा। ये क्या बात हुई, सबको बताना चाहती हूँ कि ज़ियान अहमद मेरी आपी के हस्बैंड, क्या शान है मेरी बहन। लेकिन हम तो किसी को बुला भी नहीं सकते, जरा कॉलेज में वैल्यू ही बढ़ जाती मेरी। अच्छा अब तुम चुप कर जाओ, मुझे अज्जी से कुछ डिस्कस करना है। अम्मी डिस्कस मैंने करना है आपसे, आप मुझे अभी बाजार लेके चले, ड्रेस दिलाए, ज्वेलरी जूते वगैरह सब कुछ। मेरी बात सुनो,
मैं तुम्हें ड्रेस और ज्वेलरी तो ले देती हूँ, पर सैंडल तो घर में इतने सारे पड़े, मरियम का कोई भी पहन लो। नहीं अम्मी, सब कुछ मैचिंग होना चाहिए। अब इतने सारे मेहमानों में किसने देखने हैं तुम्हारे जूते? देखिए अम्मी, जो दोस्त होते ना वो हमेशा आपके कपड़ों को देखते हैं, और जो दुश्मन होते ना वो हमेशा आपके जूतों को देखते हैं। तौबा है, बाजार चलेंगे तो ले लेंगे। अभी तुम जाओ, मुझे अज्जी से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, मैं भी जा रही हूँ। वैसे भी मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बताना है कि मेरी आप ही के एजाज में कितनी शानदार सी पार्टी मेरे दूल्हा भाई दे रहे हैं। समझाने की बजाय मुझे समझा रही हूँ कि मैं शिरकत करूँ। मैं भी नहीं जाना चाहती मामी। मैं तो उस लड़की की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। शक्ल तो मैं भी नहीं देखना चाहती, लेकिन भाई की भाई ने तुम्हारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। माना कि उनके गलत फैसले की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी आ गई, पर अब हालात ठीक भी तो हो रहे हैं ना। फायजा मना लेगी खुरम को, खुरम कोई उसकी बात नहीं टालते, वो मान जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर अभी हमने भाई का साथ नहीं दिया तो मरियम के हाथ में बहुत बड़ी बात आ जाएगी। हो सकता है कि वो मुझे, खासतौर पे आपको, भाई से दूर रखे। कौन है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ियान के साथ शॉपिंग पे गई हूँ, आप दोनों के लिए कुछ लेकर आना। अफशा ये आपके लिए और ये आपकी। मैंने कुछ पसंद किया है, मुझे आप लोगों को पसंद आए। बहुत अच्छा। अफशा मेरे ख्याल तुम्हें आराम करना चाहिए। जी मैम। ऐसी बातें नहीं करते। आपकी बहू तो बहुत प्यारी है। कहा भी था कि बहाना बना दे आउट ऑफ कंट्री। अमित देखिए कौन आया। सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत लोग जमा हैं, सो प्लीज कुछ। और उस दिन जब तुमने उस लड़की को अपने साथ आके खड़ा कर दिया था, मेरी भी तो बेइज्जती हुई थी, लेकिन मुझ में और तुम में बहुत फर्क है। मैं तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं आया। ले जाओ, आज ही ले जाओ। थैंक यू सो मच फॉर
तुमने मेरे जमीर से बहुत बड़ा बोझ उठा दिया, लेकिन निरीक्षक तुम फायदा से भी ये क्या कह रहे हो तुम? अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मैं आपकी बेटी को ले जाने को तैयार हूं। जान मुझे जवाब चाहिए अभी और इसी बात। हाँ जान, हाँ कर दो बेटा। आपको क्या इतराज है? कहते कि आप तैयार हैं? नहीं, ये मुमकिन नहीं। तो फिर मैं आज इसी महफिल में अफशा को प्लीज डोंट डू दिस। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है, मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? कब से तुम्हारा जवाब नहीं है? रफियों को लेकर यहां से जाइए प्लीज, आप को लेकर यहां से जाइए। कुछ भी ठीक नहीं।